हाय वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन, कैसे हैं आप? आज बात कर रहे हैं Hyundai Elite I20 CVT ऑटोमेटिक के बारे में। फाइनली Hyundai इंडिया ने भी अपनी नई Elite I20 का CVT ऑटोमेटिक वर्जन लॉन्च कर दिया है, मैदान में उतार दी है अगेंस्ट मारुति सुजुकी बलिनो एंड होंडा जैज। आज जान लेते हैं गाड़ी कैसी है। मैं आपको बताता हूँ, Elite I20 चलाने का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा ऑटोमेटिक के अंदर, मुझे ऐसी फीलिंग हुई जो ये लोग को कष्ट होता है क्लच दबाने में, जिन लोगों को कष्ट होता है बार बार गियर चेंज करने में, उनको तो I20 ऑटोमेटिक पसंद आएगी। पर जो लोग चाहते हैं भाई ड्राइविंग जिनको अच्छी लगती है, फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस लगता है, उनको I20 ऑटोमेटिक चलाने में वो फीलिंग ही नहीं आएगी। देखिए Elite I20 का आप जानिए, बेसिकली इस गाड़ी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो है इसका कर्ब वेट। ऑलरेडी मैनुअल ट्रांसमिशन में इसका बॉडी कर्व वेट है 1020 kg, CVT आने के बाद ये हो गया है करीब 1060 से 1070 किलोग्राम। एक हैचबैक कार जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में होती है, जिसकी पावर है करीब 83 bhp, टॉर्क है 117 Nm, उसके लिए 1070 kg बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा है। बेसिकली जो कार की पावर परफॉर्मेंस है वो आपको समझना होगा कि किस पर्पज़ के लिए आप Elite I20 ऑटोमेटिक ले रहे हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कन्वीनियंस के हिसाब से, यू आर लुकिंग फॉर अ कार प्राइमरली फॉर सिटी यूसेज, आपको चाहिए हैसल फ्री ड्राइविंग विद अ प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, बढ़िया इंटीरियर्स, कार की जो सीटिंग की स्पेस है वो आपको बढ़िया अच्छी खासी लगेगी, रेयर में आपको AC वेंट्स मिलते हैं, रेयर में रिक्लाइन एंगल अच्छा खासा है, स्टाइलिश एक्सटीरियर्स, तो आपको Elite I20 पसंद आएगी। बट देयर आर सर्टेन नेगेटिव्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। पहली चीज़, इसका जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो आपको बढ़िया नहीं लगेगा। नंबर टू, मानता हूँ कार में स्पेस ठीक ठाक है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, बट इट इज़ नो वेयर टू द स्पेस एज सीन इन मारुति सुजुकी बलिनो और होंडा जैज। नंबर थ्री, जो कुछ Hyundai की USP हैं, जैसे रेयर में आर्मरेस्ट, रेयर में एडजस्टेबल हेड रेस्ट्रेंट्स, 6 एयरबैग्स, पुश बटन इग्निशन, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, 16 इंची के डायमंड कट अलॉयज, ये सारी चीज़ें आपको Hyundai I20 ऑटोमेटिक में नहीं मिलती है। प्लस इसका एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर पैनल, वो भी आपको Hyundai I20 ऑटोमेटिक में नहीं मिलता है। तो जो Hyundai की मेन स्टाइलिंग एलिमेंट्स थे वो सारे आपको I20 ऑटोमेटिक में मिसिंग लगते हैं। इनफैक्ट I20 जो Magna ऑटोमेटिक आ रही है उसकी ऑन रोड कॉस्टिंग इज अराउंड 8 lakh, और उसमें भी आपको रिमोट सेंटर लॉक नहीं मिलता है। कहने का पॉइंट ये है, जो लोग चाह रहे हैं फीचर्स के हिसाब से, जिनके मन में है Hyundai I20 का टॉप एंड मॉडल, दे आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। प्लस जो Hyundai की बिल्ड क्वालिटी में मानता हूँ अच्छी है, लेकिन 6 एयरबैग्स, साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स आपको Elite I20 ऑटोमेटिक में नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट प्रीमियम हैचबैक में केवल Hyundai Elite I20 ही एकमात्र कार है जो आपको 6 एयरबैग्स की सेफ्टी प्रोवाइड करती है, बट अगेन Hyundai ने ये 6 एयरबैग्स रिस्ट्रिक्ट करे हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में, दे आर नॉट ऑफरिंग दिस इन ऑटोमेटिक। कार के अंदर कोई पैडल शिफ्ट भी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स मोड नहीं है, कोई लो गियर मोड नहीं है, तो ये जो कमियां इतनी सारी उभर के आई हैं, दिस डेफिनेटली टेक्स अवे द प्रीमियम एक्सपीरियंस फ्रॉम Elite I20 ऑटोमेटिक। जो एक और चीज़ है, Elite I20 चलाने का मज़ा, कार को आप रेव करेंगे इंजन की नॉइस केबिन के अंदर प्रीवेलेंट है, प्लस जो इसका CVT का रबर बैंड इफेक्ट है मुझे कंपेयर टू मारुति बलिनो और होंडा जैज ज़्यादा लगा, और इसका रीज़न है इस कार का बॉडी कर्व वेट विच इज़ ऑन अ हायर साइड। करीब 1060 किलोग्राम के बाद इसका कर्व वेट है, एंड थिंक ऑफ इट, 83 PS पावर, 117 Nm स्टॉक में, 1060 kg वेट इन 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, काफ़ी ज़्यादा है। आप कार में अगर 4 बंदे बैठ जाएंगे और उसके बाद आप कार को रेव करना चाहेंगे, आई एम श्योर यू विल बी डिसअपॉइंटेड। आई थिंक यू शुड टेस्ट ड्राइव मारुति सुजुकी बलिनो। मैं मानता हूँ बॉडी वेट करीब 150 किलोग्राम कम है, लेकिन बलिनो की जो परफॉर्मेंस है चलाने में, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। होंडा जैज के अंदर पैडल शिफ्ट हैं वो आपको बहुत बड़े लगते हैं। आई थिंक Hyundai Elite I20 की जो ड्राइव, जो हैंडलिंग, वो आपको उतनी बढ़िया नहीं लगेगी, स्टीयरिंग का फीडबैक भी मिसिंग लगेगा। तो मेरे को Hyundai Elite I20 CVT ऑटोमेटिक में, आई डू नॉट फाइंड इट एंड परफॉर्मेंस एज व्हाट यू फाइंड इन कॉम्पिटिशन कार्स। Elite I20 में मानता हूँ इंटीरियर्स प्रीमियम है, स्टाइलिंग है, बट इट मिसेस ऑन द USP जो Hyundai I20 की मानी जाती है। इट मिसेस ऑन द एडवांस स्टाइलिंग, इट मिसेस ऑन द एडवांस सेफ्टी,
इट मिसेस ऑन द गियर बॉक्स. मैं मानता हूँ रिफाइंड है, बट वो फीलिंग नहीं है. आप गाड़ी चलाओगे, आपने एक्सेलेटर पुश किया, अगर आपने थोड़ा सा रेव किया, आपको इंजन की नॉइस केबिन में सुनाई देने लग जाएगी. वो मज़ा नहीं है. आपको एक नटशेल में बताऊं तो एलीट i20 अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं, आप अगर रेव करेंगे गाड़ी को, गाड़ी के इंजन में नॉइज़ आएगी, कार का जो पिकअप है वो बढ़िया नहीं लगेगा, प्लस जो स्टीयरिंग का फीडबैक है, स्टीयरिंग बहुत ही लाइट है, बहुत ही टॉयसम है, तो स्टीयरिंग का आपको जो फीडबैक मिलेगा वो भी मज़ा नहीं आएगा. तो कहने के पॉइंट ये है, अगर आप 8 लाख रुपए मैग्ना ऑटोमेटिक में खर्च कर रहे हैं ऑन रोड, या 9.25 लाख रुपए आप एस्टा में खर्च कर रहे हैं, मेरी ऐसी एडवाइस है, आई थिंक रैदर यू शुड गो फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफ i20. आप विश्वास मानिए, उसका जो क्लच है वो बटर स्मूथ है, गियर शिफ्ट्स बहुत ही स्मूथ है. आप अगर कन्वीनियंस के हिसाब से चाह रहे हैं, आई थिंक यू कैन बी रीजनेबली हैप्पी इन एलीट i20 मैनुअल ट्रांसमिशन. प्लस आपको फीचर्स बढ़िया मिल जाएंगे. इनफैक्ट एलीट i20 मैग्ना ऑटोमेटिक के प्राइस में आपको मिल जाएगा एस्टा मैनुअल ट्रांसमिशन, और एस्टा ऑटोमेटिक के प्राइस में आपको मिल जाएगा एस्टा ऑप्शन मैनुअल एट अ लोअर प्राइस विद मोर फीचर्स. और अगर आप ऑटोमेटिक कार ही लेना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से मारुति सुजुकी बलिनो, होंडा जैज, वोक्सवैगन पोलो हैज देयर ओन यूएसपी. पोलो जैसी राइड आपको इस सेगमेंट में कोई गाड़ी नहीं दे सकती है. होंडा जैज आपको पैडल शिफ्ट के साथ बहुत ही बढ़िया लगेगी, कार की जो स्पेस है वो अनमैच्ड है, और मारुति बलिनो की जो माइलेज है, मारुति बलिनो की जो स्पेस है, मारुति बलिनो की जो इंजन की परफॉर्मेंस है, वो आपको बहुत बढ़िया लगेगी. ह्यूंडई एलीट i20 आई थिंक सीम्स टू बी मिसिंग इन. तो ये था ह्यूंडई i20 CVT ऑटोमेटिक के बारे में. कैसा लगा वीडियो? वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल माई कार हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो आगे शेयर करिए विद एनीवन हु इज कंसीडरिंग एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इन अ प्रीमियम हैचबैक. थैंक यू.